बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उमर शाह और इस टाइम हम मौजूद हैं हलका एन 111 में। चौधरी तारक महमूद बाजवा का ये हलका है और यहाँ पे आज महंगाई मकाओ मार्च जो है ना वो निकाला जा रहा है, रैली निकाली जा रही है, जिसमें आपको ये एक जम्मे का फिर नज़र आएगा, गाड़ियों की लाइनें नज़र आएंगी, 200 से ज़्यादा घोड़े यहाँ पे मौजूद हैं और तांगे बगियाँ बहुत कुछ यहाँ पे मौजूद है। यहाँ की आवाम का जोशो खरोश दीदनी है। अगर मैं यहाँ पे लोगों से पब्लिक से जो है ना उनकी राय पूछूं तो मेरे साथ जो है ना यहाँ पे आवाम मौजूद है, अमीनी से पूछेंगे कि महंगाई मार्च में ये इस टाइम महंगाई मार्च में आवाम का जोशो खरोश हमें जोश पर जो है अरूज पर नज़र आ रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजवा साहब आते जानवी हाजिर है जी। ठीक है जी, कौन से बाजवा साहब? ये बाजवा साहब वो तारक महमूद बाजवा साहब NA 111। ठीक है, इन्होंने साड़ी जानवी हाजिर है, जिथे सानू आवाज मारन असि इन्होंने नाल हैं। वेखो इधर जम्मे कफीर, वेखो संगले तक लैणा लगी जान, इधर नू वेखो। ठीक है, चार चफेरे एक कॉल की बाजवा साहब ने, किसी नू तेल नहीं पाक दिता, किसी नू नहीं रोटी खवाई, बिरयानी वाले तो नहीं हो, कोई काम शाम नहीं भरावा। जो फोन गया उसे वाले ही बाबा जी, लोग सुते उठ गया गए, लोगों जुतियां भी नहीं पाइया इन्हों के कोल ने। ठीक है, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने इज्जत देनी है सानू, अल्लाह पाक ने इंशाल्लाह इन्हू जिता है, इंशाल्लाह MNA नू बनाउणा है, इंशाल्लाह बन गया समझो। तो लेकिन बरजीत ताहर इनके मुकाबले में और बरजीत ताहर मतवातर जो है 5 दफा यहाँ के MNA रह चुके हैं, आपको लगता है कि तारक बाजवा साहब उनको टक्कर दे पाएंगे? इंशाल्लाह यार, कहां तारक महमूद बाजवा MNA, बस इंशाल्लाह। ठीक हो गया ले जी नाजरन, ये यहाँ की आवाम के रिव्यू थे, ये माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं तारक महमूद बाजवा साहब की इन्होंने शर्ट पहनी हुई है, हम इन्हीं से पूछेंगे जनाब क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी माशाल्लाह, देखिए कितना बड़ा काफिला आ रहा, अभी तो आ रहा है, अभी देखेगा आप जून लीग पता चल जाएगा तारक महमूद बाजवा का काफिला कितना बड़ा है। और इंशाल्लाह ताला देखें, इंशाल्लाह ताला हम तारक बाजवा से साथ हैं, शनब शनब मेरे कायदे हैं, मेरे लीडर हैं, हम उससे प्यार करते हैं और हम खानसान के सिपाही हैं। आए हमें गिरफ्तार करें, हम जेल में बनने की तैयार है, हमें जेल बनने के लिए गए, इनका तेल ही मुक गया था पुलिस वालों का। और नाजरीन ये बहुत जज्बा है, दीदनी है, जिसके साथ हमारे साथ एक एडवोकेट साहब मौजूद हैं। एडवोकेट साहब क्या कहना चाहेंगे, इतना बड़ा जम्मे कफीर और महंगाई मार्च में जो है ना सांगला हिल के वाम तो सड़कों पर आ चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया। ये एक एहतजाजी रैली है, अवाम का रैली है और ये तारक महमूद बाजवा की अवाम है, हलका की अवाम है। ये लोग महंगाई के पीछे हुए हैं और ये इंतहाई ये गमों और गुस्से में है और ये हलका को पिछले 50 साल से 75 साल से इसको अंधेरे में रखा गया है, इसलिए अब ये हलके की आवाम को सिर्फ तारक महमूद बाजवा ही है जो एक रोशनी की किरण नज़र आ रही है और ये इमरान खान का सिपाही है और इमरान खान की एक काल पर उसने आज रैली का ऐलान किया है और ये आप देख सकते हैं कि हद नगाह जो है वो रैली है और किसी तरह भी हर तरफ PTI है। इंशाल्लाह तारक महमूद बाजवा की शक्ल में तारक महमूद बाजवा इमरान खान का सिपाही इलाके में इंशाल्लाह जो है वो फतह हासिल करेगा। आपको लगता है कि तारक महमूद बाजवा साहब इस दफ़ा बरजीत ताहर को टक्कर दे पाएंगे? ये तारक महमूद बाजवा ने लास्ट टाइम भी टक्कर दी थी और इंशाल्लाह जीता था, अगर एजेंसियां इसमें रोल अदा ना करती तो पिछली दफा भी तारक महमूद बाजवा ने। नाज़रीन यहाँ की आवाम का भी कहना है कि एजेंसियां अपना किरदार अदा करती हैं। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।